नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आज मैं आपको RX 117 मॉडल जो हमारा पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रखी है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें 3 फॉरवर्ड गियर और 3 PTO के अलग से गियर हैं, मतलब कि टोटल इसके 6 गियर हैं। तो 3 फॉरवर्ड गियर लगाने का कारण क्या है भाई साहब? पहले गियर में जोतेंगे 3 से 4 इंच जोतेंगे, उसमें उस टाइम इसके जो चक्कर रहेंगे 900 RPM रहेंगे, और दूसरे गियर में करेंगे तो इसके 1800 RPM हो जाएंगे, उससे आप 4 से 6 इंच। तो और तीसरा गियर इसलिए उपयोग किया जाता है, आपने बिल्कुल ब्रीक से ब्रीक मिट्टी करनी है, जैसे कि बिजाई के लिए जो तैयार हो, जिसमें और कुछ भी ना करना पड़े, इसलिए हमने 3 गियरों का उपयोग किया है। और 3 गियरों में इसके जो चक्कर हो जाते हैं इसके 3600 RPM हो जाते हैं। इसी तरीके से जो PTO के, इसको कितने घंटे तक किसान भाई लगातार चला सकते हैं? भाई साहब इसको आप 8 से 10 घंटे आराम से चला सकते हैं, क्योंकि इसमें टर्बो इंजन का उपयोग किया गया है। टर्बो का मीनिंग क्या है, हिंदुस्तान में पहली बार ही हमने टर्बो इंजन यूज किया था, क्योंकि इसमें प्रॉपर एयर कूल्ड इंजन है, प्रॉपर अंदर हवा जाएगी, प्रॉपर हवा जाएगी तो इंजन बिल्कुल ठंडा रहेगा। इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट हो सकती भाई साहब? इसके साथ आप कुछ भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कि आप रोटावीटर चला सकते हैं, आपने मिट्टी लगाना है, जैसे आपने दोनों साइड पे मिट्टी लगाना है वो भी कर सकते हैं। मैं आज ये जो पलाऊ है दोनों साइड मिट्टी लगाना, बिल्कुल दोनों साइड पे मिट्टी लगाएगा। आज मैं आपको 18 इंच में कैसे चलेगा और 42 इंच में कैसे चलाएगा आपको लाइव डेमो देने वाला हूँ, और उसमें मिट्टी कैसे लगाएगा दोनों साइड में। हर जब भी हम खेती करते हैं मिट्टी जरूर लगाना पड़ता है, चाहे आपने गन्ने की खेती करनी हो, चाहे आपने अदरक की करनी हो, कहीं भी लगाना साइड पे मिट्टी जरूर लगाना होता है फसल में। आपको 3.5 फीट में भी कैसे मिट्टी लगाएगा वो भी करके दिखाऊंगा। कल्टीवेशन का काम कर सकते हैं, ट्रॉली के साथ इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि इंजन में ताकत ही नहीं है। कितना वजन डाल भाई साहब? ट्रॉली में 1 टन वजन लेके जा सकते हैं, और हमारी जो ट्रॉली है भाई साहब हाइड्रोलिक है, और चारों तरफ से ये फोल्डेबल है, ब्रेक सिस्टम भी दिया गया है, और चारों तरफ से ये खुल जाती है। ये ऐसी आधुनिक ट्रॉली है, और आज तक हिंदुस्तान में, मैं फिर बोल रहा हूँ, आज तक हिंदुस्तान में कहीं भी आपने देखी नहीं होगी। तो इसके साथ में जो सिंगल मिट्टी लगाने वाला प्लाव है वो भी चलता है? बिल्कुल सिंगल प्लाव भी आप जो आपको चला के दिखाएंगे भी कैसे चलता है, कैसे ये मिट्टी। आज मैं आपको जो जितना भी डेमो दे रहा हूँ, जहाँ पे पहले क्या गेहूं बीजा हुआ था, गेहूं की कटाई हो चुकी है, उस खेत में आपको चला के दिखाऊंगा, और जहाँ पे बिल्कुल भी जोताई नहीं हुई थी कैसे चल रहा है, मेरे फार्मर भाई खुद बताएं कैसा चल रहा है। और इसके साथ में कल्टीवेटर लगा करके कैसा काम करता है भाई साहब? जी आप लाइव डेमो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मेरे फार्मर भाई ने देखना कैसा कर रहा है या कैसा नहीं कर रहा। ठीक है, इसके जो टायर हैं वो काफी चौड़े हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए भाई साहब। ये टायर इसलिए चौड़े किए गए हैं, अगर किसी किसान भाई ने ट्रॉली चलानी है या रिपर चलाना है तो मैं चाहता हूं कि वो चौड़े टायरों वाला ही ले। इसी मॉडल में हमारे पास पतले, जो वो पतले टायर हैं उसमें भी उपलब्ध है। अगर आपने ये चीजें नहीं चलानी है, सिर्फ दूसरा काम करना है, कल्टीवेशन का ही काम करना है, जो अन्य कार्य करने हैं, तो आप पतले टायर लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। और लोहे टायर भी आते हैं, आप लोहे टायर भी, लोहे के टायर उस टाइम यूज करते हैं, कई बार रबर के टायर स्लिप करने लग जाते हैं, मिट्टी के सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, उस टाइम लोहे के टायरों का उपयोग किया जाता है। तो लोहे के टायर कितने कामयाब हैं भाई साहब? लोहे के टायर तो प्रॉपर ग्रिप बना रहते हैं ना भाई साहब, जैसे कि रबर के टायर अगर स्लिप कर दे, आपको लगता है कि इस मिट्टी में ये स्लिप कर रहे हैं, तो आप लोहे का टायर का उपयोग करिए। ठीक है, आपका जो ये टिलर है ये कितने HP का है? ये भाई साहब 7.75 टर्बो के साथ है, और ये वादा है मेरा, जो इसमें ताकत है 10 HP जितनी है, क्योंकि टर्बो के साथ हीट नहीं होने वाला। क्या होता है जब इंजन हीट हो जाता है तो एनर्जी ड्रॉप होने लग जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है, इससे कोई भी एनर्जी ड्रॉप नहीं होगी। आपका जो इंजन है, चाहे जितना आपका पहले 1 घंटे में हो गया, उतना ही सेम आप 10 घंटे तक बंद नहीं करेंगे, उतना ही काम करेगा। लाइट ये जो इसकी 2 प्रकार की है उसका क्या कारण है भाई साहब? ये दोनों ही लाइटों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक का ही फर्क है। कई फार्मर हमारे बहुत दूर से आते हैं, उनको हम छोटी लाइट ही भेजते हैं, क्योंकि जो बड़ी प्लास्टिक का कवर है रास्ते में टूटने का खतरा रहता है। जो फार्मर नजदीक के होते हैं उनको हम बड़ी देते हैं, जो दूर के होते हैं वो छोटी होते हैं। तो अब बात करते हैं राजा भाई इसके रेट वेट और गारंटी वारंटी की, क्या कुछ रेट रहेगा भाई साहब? जो हमारा R117 जो मॉडल है ये 2 किस्म के हैं, एक पतले टायरों के साथ है, एक मोटे टायरों के साथ है, और इसमें भी 2 किस्म के हैं, एक सेल्फ के साथ है, एक विदाउट सेल्फ के साथ है। अगर किसान भाई ने मोटे टायरों के साथ सेल्फ के साथ लेना है तो 60,000 रुपये का पड़ेगा, अगर उसी किसान भाई ने पतले टायरों का लेना है तो 54,000 का लेना है पड़ेगा। अगर किसी में सेल्फ नहीं लेनी है तो 2,000 रुपये कम हो जाएगा। उसमें हम देंगे क्या, इसमें ये 32 ब्लेड देंगे जो कि 16 इंच से लेके 42 इंच में चलते हैं, और ये 4 जो अटैचमेंटें देख रहे हैं इसमें से 2 अटैचमेंटें फ्री देंगे।
ठीक है। और जो आपने गारंटी वारंटी के लिए पूछा है, मुझे नहीं लगता किसी भी फार्मर भाई को या यूट्यूबर भाई को पूछने की जरूरत है। उनको बताएं मैं हमेशा गारंटी देता हूँ, वारंटी देता ही नहीं हूँ। कुछ भी खराब हो जाए, आपकी गलती से भी खराब हो जाए, फोटो भेज दीजिए, चेंज कर दूंगा। फोन करने की जरूरत नहीं। अब बात आती है कि कोई किसान भाई अगर खरीदना चाहे तो किस प्रकार से आपसे खरीद सकते हैं? किसान भाई हमारी कंपनी में विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे फार्मर आते हैं जहाँ पे प्रॉपर रहने का खाने का हमारा प्रॉपर गेस्ट हाउस है। जो किसान भाई ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं वो हमें फ़ोन करें, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम उनको अकाउंट नंबर भेज देंगे। और फिर उनको जो अकाउंट नंबर भेजेंगे उसमें मात्र 5,000 डलवाना है, ज़्यादा डलवाने की जरूरत नहीं है। जो भी लेना है आप हमें लिख के भेज देंगे फार्मर भाई, या हमें बोल के बता देंगे, और अपना आधार कार्ड का फोटो भेज देंगे, जहाँ से मशीन हम डिस्पैच कर देंगे या मशीन उनके राज्य में उनके डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाएगा, तब उन्होंने अकाउंट में पैसा डलवाना है। किसी को नकद पैसा नहीं देना भाई, वो अकाउंट में ही डलवाना है। फिर हम जो डिलीवरी वाले को बोलेंगे कि इनके घर पे मशीन डिलीवरी दी जाए, जो डिलीवरी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, कभी भी किसी से पैसा नहीं लिया जाता। भाई अगर कोई किसान भाई अपनी वीडियो देख करके आपको शॉर्ट भेजता है तो आप उसको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी देने वाले हैं? भाई साहब ये कैसा आपने क्वेश्चन कर दिया, आपने कुछ तो आपको देना पड़ेगा। आपने पूछ लिया भाई साहब, हमने किसी को निराश तो करते नहीं है। आज तक कोई भी हिंदुस्तान में बोल नहीं सकता कि हमने निराश किया है। चलो जो भी हमें इसका स्क्रीनशॉट भेजेगा, जो जो 4 अटैचमेंट हमने दिखाई है उनमें 3 फ्री दे देंगे जी। यानी कि 1 अटैचमेंट फ्री और बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो किसान भाई इस प्रकार आपने जानकारी ली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जय जवान जय किसान।